बड़े अदब दे नाल असी खुदावन दे वचन नूं सुनना है। पवित्र बाइबल च लिखिया वचन सुनदे सुनदे लोग की हो जांदे है, बोलदे नहीं चंगे हो जांदे है। ते फिर किन्ने ध्यान दे नाल वचन सुनना चाहिए है। और कुछ सुनदे सुनदे सो भी जांदे, फिर ती मंजले तो डिगदे है। पढ़िया बाइबल च कि नहीं? मैं क्या पढ़िया बाइबल च कि नहीं? अभी पढ़िया कि नहीं? हां पढ़िया, तू किथे पढ़िया? वचन सुनदे सुनदे लोग चंगे हो जांदे हैं, और तो जेड़ा ध्यान ना सुनदा नहीं है वो फिर ती मंजले तो डिगदा। किन्नियां ने पढ़िया बाइबल च? पौलुस प्रचार करदा सी और लिखिया ती मंजले ते खिड़की दे वल नूं एक ढासना ला के मनुख बैठा सी। पौलुस नूं प्रचार करदिया करदिया तड़का हो गया, पूरी रात प्रचार सुणाउंदा रहा लोकां नूं, यीशु मसीह दीआं तरीफां करदा रहा, उहदे वचन उहनां नूं सुणाउंदा रहा, खुराक दिंदा रहा। और बाइबल कहिंदा उस व्यक्ति नूं जिहड़ा ढासना ला के दीवार दे नाल जां खिड़की दे नाल बैठा सी, उहदी अख लग गई और बाइबल कहिंदा गिर गया ती मंजले तों हेठां। उह जदों लोकां ने देखिया कहिंदा मर गया। की हो गया? मर गया। पर जदों पौलुस नीचे गया और उहनूं देखिया कहिंदा हले जान इहदी इहदे विच हैगी आ कहिंदा, और बाइबल कहिंदा फिर उह मनुख बच गया। उहदे वचन तों असीं की शिक्षा पाउंदे हां कि जदों वचन दा समय है बड़े अदब दे नाल सुणना। तो जो असं अदब के सुनोंगे नहीं, गौर के सुनोंगे नहीं, ग्रहण करने की इच्छा के सुनोंगे नहीं, तो असं आत्मा च डिगे। फिर वो शरीर च डिगया सेगा तो असं फिर कच डिगे, असी आत्मा च डिगे। फिर किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही? बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। सब तैयार? फिर बैठा कर लोग गर्मी से बैठे बंद हो गया। मेरे अल ना देख, प्रभु ना देख, देख उनकर। हालेलुया, सब तैयार है वचन सुनने के लिए? बोलो हालेलुया। अज तुसी ते मैं खुदावन दे वचन दे विचो सीखना है। अज दे वचन दा टाइटल है फॉलो जीसस। यीशु मसीह नूं फॉलो करन दा बेनिफिट की है, और क्यों यीशु मसीह ने कहा कि आ मेरे पिछे हो ले, और तुसी ते मैं दे विचो कुछ गल्लां सीखनियां जिहड़ियां तुहाडे मेरे लिए तरक्की दा कारण बनणगियां। जिहड़ा मनुख क्वेश्चन नहीं ना करदा उहनूं कदी भी उत्तर नहीं मिलदा, जिहड़ा प्रश्न नहीं करेगा उहनूं उत्तर नहीं मिलेगा। याद रखना मेरी गल नूं, अज तो बाद दुआवां दे विच खुदा दे नाल प्रश्न करना सीखो कि प्रभु मैं कदों तरक्की करांगा, प्रभु मैं कदों आत्मा नूं पावांगा, प्रभु कदों मेरा छुटकारा होएगा। ये सारे क्वेश्चन है। यीशु मसीह बिना जिहड़ा क्वेश्चन कर ही नहीं रहा उहनूं कदी भी उत्तर नहीं दिंदे, उहदे नाल कदी भी गल नहीं करदे। तुसीं बाइबल नूं पढ़ो ध्यान दे नाल। एक थां ते पतरस यीशु मसीह नूं कहिंदा कहिंदा प्रभु सारे कुछ छड्ड के तेरे पिछे हो ले सानू की मिलेगा। की कहिंदा? प्रभु सारे कुछ छड्ड के तेरे पिछे हो तो रहे हैं सानू की मिलेगा। एक क्वेश्चन है। की है? क्वेश्चन है, प्रश्न है। फिर यीशु ने उत्तर दिता। की उत्तर दिता पता तुहानू? हां, यीशु मसीह ने उत्तर दिता कहिंदा तुसी वो लोग हो जो मेरे पिछे हो ले, कहिंदा तुसी मेरे नाल सिंघासन ते बैठोगे और इजराइल के 12 गोत्रां दा न्याय करोगे। क्या ही बात है, मैं वर्स तुहानू दवांगा। यीशु मसीह के पिछे चलण दा बेनीफिट, और बहुतियां नूं यीशु मसीह ने हील किया, पाप तो आजाद किया, और आख्या कि हुण अगाह तो पाप ना करी, हुण तू मेरे पिछे हो ले। हालेलुया, वाह, इतनी सुस्ती? हाँ,
खुदा की तारीफ। हाँ बाइबल आखदा है हाले लुईया का जो वर्ड है उसके विच कितना कुछ छिपिया होया। हाँ और साडे कोल बोलिया नहीं जाता। हाँ चंगी गल है। बाइबल कहता जो भी कुछ मनुख बीजद सोई 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 वटेगा। जो मनुख बीजेगा सोई सोई वटेगा। जिनी प्यास दे नाल ग्रहण करन दी इच्छा रखोगे उस तो ज्यादा वो तुहाडी प्यास बुझाउण दा सामर्थ है सामर्थ रखता है। जिनी प्यास तुसी जाहिर करोगे कि प्रभु मैनू इस गल की प्यास और उस तो ज्यादा रीति दे नाल तुहाडी प्यास नू बुझाएगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह दे पिछे कितना चलांगे यूसुफ कितना चलांगे वचन फॉलो करके। मेरा सवाल है तुहानू मैं दस रहा ना सवाल करने आने चाहिए बंदे ओनू उत्तर मिलना जिहड़ा सवाल करता। हाँ अरे वाह जल्दी आंसर मिल गया मैं। बोलो हालेलुया ताड़ी मारिए जरा ब्रदर दे। यीशु मसीह दे पिछे चलना बाइबल कहता अपने आप का इनकार कर। तुसी ते मैं यीशु मसीह दे पिछे चलते चलते कि नहीं चलते और कितना चलना अपने आप का इनकार करते। जे मैनू टेक्नोलॉजी चंगी लगती है तो प्रभु दे लई मैनू छड्डना पैगा। यीशु मसीह ते कौन है तुहाडे विचों जिन्हें धी भैन माँ बाप बच्चों कोठियां घरों जमीनों मेरे लिए छड्डिया होवेगा। जदों पतरस कहता प्रभु सब कुछ छड्ड के तेरे पिछे हो ले सानू की मिलेगा। यीशु मसीह कहते जे उन्हें मेरे लिए इदा छड्डिया होवे ते उन्हें स्वर्ग दे विच सौ गुणा मिलेगा। सारा चर्च बोले हालेलुया। किन्हां नूं समझ आ रही मैं हले सिर्फ टाइटल समझाने की कोशिश करता। यीशु मसीह मती नूं मिले कहते आ मेरे पिछे हो ले। उन्हें कोई गलबात नहीं की कोई सैकेंड उन्हें अपने मुँह के आवाज नहीं कड़ी की। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का ऑरा ही इदा का सगा चाल चलन इदा का सगा आवाज के सामर्थ्य इदा का सगा। जब उन्हें किसी कह दिता ना कि आ मेरे पिछे हो ले मजा आला कि वह ना चले या ना यीशु मसीह फॉलो करे। किन्या नूं मेरी गल समझ आ रही। फिर पतरस नूं जदों यीशु मसीह ने आवाज मारी कहिंदे आ मेरे पिछे हो ले कहिंदे मैं तैनूं मनुखां दा की बनावांगा शिकारी बनावांगा। हालेलुया। इदां दा तुहाडा मेरा चाल चलन होना चाहिए। इदां दी तुहाडी मेरी आवाज होनी चाहिए। तुहाडे शब्दां दे विच सामर्थ होना चाहिए। बाइबल कहिंदा एक नल दे विचों दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। पर जे तुसी कोई बदमस्तियां भी करिए और धार्मिकता की जिंदगी भी जीए इदा नहीं हो सकता। एक मनुख दो कश्तियां दे विच पैर नहीं रख सकता। अगर रखेगा तो वह पार नहीं लंघेगा। एक लत उहदी लैफ्ट हो जाएगी एक राइट हो जाएगी और गिर जाएगा वह पानी च डुब मरेगा। अगर दो गल्लां जीवन जीउंदा है मनुख संसार के लिए भी और प्रभु के लिए भी वह पार नहीं लंघ सकता। तुसी ते मैं यीशु मसीह नूं फॉलो करन वाले आ कि मैं सच बोलदा तुसी ते मैं यीशु मसीह नूं फॉलो करन वाले लोग आ। ते बाइबल कहिंदा जो यीशु मसीह नूं फॉलो करदा आ उहनूं अपने आप दा की करना पएगा इनकार करना पएगा अपनियां ख्वाहिशां नूं मारना पएगा अपने आप नूं खत्म करना पएगा अपने आप नूं जीरो करना पएगा। यीशु मसीह दे उपर पूरा भरोसा रखना पएगा तां यीशु मसीह दे पिछे चलण दा फायदा है। अदरवाइज अगर तुसी अपनियां मनमर्जियां भी कर रहे हो और चर्च भी आ रहे हैं ते तुसी पार नहीं लंघ सकते। मैं तुहानू तुहाडे वहम चों कढ़ना चाहुंदा कि अगर तुसी अपनी मनमर्जी भी करी चलो शरीर दी इच्छावां नूं पूरा करी चलो कदी कदी पाप करी चलो कदी कदी गालां कढ़ी चलो और चर्च भी आई चलो मैं तुहानू तुहाडे इस वहम चों बाहर कढ़ना चाहुंदा तुसी पार नहीं लंघ सकते। अगर अचानक यीशु मसीह कल आ जाण जां अज रात आ जाण ते तुसी जीउंदे नहीं उठाए जा सकते। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही। यीशु मसीह दे पिछे चलण दा मतलब है अपने आप दा इनकार करके उहदे पिछे चलना। हालेलुया। चेले जा रहे आ
कश्ती दे विच बैठे और यीशु मसीह पिछे आ और बाइबल कहता तूफान आ गया। की आ गया? तूफान आ गया। कदों आया? जो यीशु मसीह पिछे आ और फिर कहते गुरु जी गुरु जी, कहते तुही आराम फरमा रहे हैं, असी की होने लगे हैं, मर चले हैं, तुहानू कोई फिक्र नहीं है। यीशु मसीह उठे कहते हे बेपरती पीढ़ी, कद तोड़ी मैं तुहाडे संग रहा, कद तोड़ी मैं तुहाडी सहांदा। लिखा यीशु मसीह फिर पिछो अगाहां आए और लिखा हाथ उठाया और तूफान नूं डांटिया और तूफान थम गया। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आई है? जो यीशु मसीह तुहाडे अगे आ और तुसीं यीशु मसीह दे पिछे आ ते कोई तूफान कोई बैड सिचुएशन तुहाडा नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि अगाहां यीशु मसीह, उहनूं पहलां यीशु मसीह नूं मिलना पएगा, पहले यीशु मसीह दे नाल सामना होएगा। तद तक तो मलिया मेट हो जाएगा जब तक वो तुहाडे तक पहुंचेगा, चाहे वो तुहाडा विरोधी आ, वैरी आ, पाप आ, मन दीआं इच्छावां आ, शरीर दीआं कामनावां आ, संसार दे पाप आ, जब तक वो तुहाडे तक पहुंचेगा वो मलिया मेट हो जाएगा, क्योंकि अगाहां उहनूं यीशु मसीह नूं मिलना पएगा। हालेलुया। अगर दुष्ट आत्मा दे नाल जकड़िया मिलिया तो वह आजाद होया, अगर कोई लंगड़ा मिलिया तो वह तुरंत की सामर्थ लैके तुरिया, जिहड़ा अन्ना मिलिया उन्हें अखां मिलिया, जिहदा सामना यीशु मसीह दे नाल होया उहदी जिंदगी च वड्डा बदलाव आया। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? ते तुसीं ते मैं यीशु मसीह दे पिछे तुरन वाले लोग आ, अगे नहीं। बाइबल तुहानूं ते मैनूं की आखदा? बग्याड़ हां की आखदा है? सुन दे मेरी, सुन, आवाज नहीं आ रही तुहानूं मेरी? हां बाइबल तुहानूं ते मैनूं की आखदा है? कि तुसीं मेरियां भेड़ां। क्यों भेड़ां? क्या उहदा कारण? अरुण की कारण? वो अपने अजाली की आवाज न पछाण दी, और जरूरी गल क्यों अपने अजाली तो कदी अगे नहीं जाती, फॉलो कर दिया, वह पिछा कर दिया। जड़िया बकरियां होंदिया वह निकल जाए अगे। हाँ किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? इसलिए बाइबल तुहानूं ते मैनूं भेड़ां आखदा कि तुसी उन्हों फॉलो करो, वो तुहाडी अगे आ, तुहाडे अगे अगे राह पदरा करके गया। यीशु मसीह कहिंदे जिथे मैं आ एक दिन तुसी भी उथे होवोंगे, पर वो जिदा चल के गया, तुहानूं नमूना दे के गया, उदा ही चलना पेगा, तां उथे असी पहुंचांगे। बोलो हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? यीशु मसीह नूं फॉलो करना। पढ़िए मेरे नाल संत लूका दा अंजील, उहदा 9 नंबर अध्याय, उहदा 23 तो 25 नंबर पंक्ति, 23 24 और 25 नंबर पंक्ति। लिखण वाले लिख लैण, संत लूका दा अंजील उहदा 9 नंबर अध्याय और उहदा 23 नंबर पंक्ति। सब नूं मिल गया? मैं क्या सब नूं मिल गया? संत लूका दा अंजील उहदा 9 नंबर अध्याय और उहदा 23 नंबर पंक्ति। लिखिया उसने सभना नूं आख्या, किन्नियां नूं? किन्नियां नूं? सारियां नूं आख्या, चाहे उस समय उत्थे लोग सुनदे सी ते चाहे अज तुसी ते मैं सुनदे। कहिंदे उहने सारियां नूं आख्या, एक गल आखी, कहिंदा जे कोई मेरे पिछे आउणा चाहे ता अपने आप दा की करे? अपने आप दा की करे? बोल दे नी, अपने आप दा इनकार करे। अपने आप दा इनकार करन दा मतलब मैनूं कोई समझा सकदा? दिबोरा की है? अपने आप दा इनकार करना। अपने आप का इनकार करना, अपने आप का इनकार करना है। बलविंदर जी क्यों हो सकता है? अपने आप का इनकार करना, फॉर एग्जाम्पल सुनो ध्यान देना। यीशु मसीह ने कहा जे कोई मेरे पिछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। मतलब मैं हुण प्रभु दे विच आना, प्रभु नूं अपना जीवन देना, बपतिस्मा लै चुका है या लेना है, और मैं यीशु मसीह नूं फॉलो करना चर्च आ रहा है,
अपने आप का इनकार करने का मतलब पता है कि जो मैनू चंगा लगता पर बाइबल तो बाहर है, जो मेरे मन को चंगा लगता, जो मैनू खुदा तो दूर करता, जो मैनू आत्मिक संगति तो दूर करता, जो मैनू धर्मी बनन तो दूर करता, उन्हां चीजां नू उन्हां कम्मां नू अपने आप तो की करना है, दूर करना है। अपने आप का इनकार करने का मतलब यही है, जो मैनू देखना चंगा लगता छड़ देना प्रभु दे लई, जो मैनू सुनना चंगा लगता छड़ देना प्रभु दे लई, जो मैनू बोलना चंगा लगता गाउणा चंगा लगता छड़ देना प्रभु दे लई। इहदा मतलब आ अपने आप का इनकार करना। यीशु मसीह कहिंदे जे मेरे पिछे कोई आना चाहे, जे कोई मैनू फॉलो करना चाहे तो पहला सब तो की करना पेगा, उन्हों की करना पेगा, अपने आप का इनकार करना पेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब तो पहला अपने आप का की करे, इनकार करे और रोज अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे चले। रोज सलीब नू चुकना, रोज सलीब चुकन का मतलब समझते हो, रोज यीशु मसीह के दुखों नू याद करना, उहदी कुर्बानी नू याद करना, उन्हें तुहाडे मेरे लिए किन्ने दुखों नू सहया, लहू का एक एक कतरा बहा दिता, अपना बदन छली करा दिता। बाइबल कहिंदा खून उहदी बॉडी चो खत्म हो गया सीगा जदों क्रॉस ते सीगा, लास्ट जदों दी बखी च मेसा मारिया गया ते की निकलिया, की निकलिया, पानी निकलिया, सारा ब्लड उन्हें तुहाडे लिए बहा दिता सारे, ता जो तुसी ते मैं शुद्ध हो जाइए, तुसी ते मैं धर्मी बन जाइए, तुहाडे मेरे पाप जड़े आ सारे क्षमा हो जाए। ते बाइबल कहिंदा जे कोई मेरे पिछे आना चाहे तो सब तो पहला की करना, अपने आप का इनकार करना, और दूसरी गल रोज अपनी सलीब नू चुकना, फिर उहदे पिछे चलना। अगर ये दो काम कर सकते हैं तां तुहाडा चर्च आने का बेनीफिट आ, नहीं तो कोई बेनीफिट नहीं है। तुसी टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। कितने नू मेरी गल समझ आ रही है? अगर तुसी ये दो गल्लां नहीं कर पा रहे, अगर तुसी उन्हों फॉलो नहीं कर पा रहे, फॉलो करने का मतलब उहदे वचनां नू पढ़ी जाना, उहदे अनुसार चली जाना, अपनी जिंदगी नू ढाली जाना, उन्हों फॉलो करने का मतलब है रोज अपनी सलीब चुकनी है, अपनी ख्वाहिशां नू खत्म करना और खुदा दी इच्छा नू पूरा करना अपनी जिंदगी दे विच। इहदा मतलब रोज अपनी सलीब नू चुक के उहदे पिछे चलना है। लिखा क्योंकि जेड़ा अपनी जान बचाउणी चाहे उह उसनू की करेगा, गवाएगा, पर जेड़ा मेरे लिए अपनी जान नू गवाएगा वो उसनू की कर लेगा, बचा लेगा। मतलब जेड़ा कुर्बानी दे रहा, जेड़ा मेरे लिए कहिंदा अपने दिल दीआं इच्छावां नू त्यागदा, इधर देखो, जेड़ा मेरे लिए अपने मन दीआं इच्छावां नू त्यागदा पिया, कहिंदा वो एक दिन प्राप्त कर लेगा, जो भी कुछ मेरे लिए छड्डेगा उस तो दुगना प्राप्त करेगा, उस तो चौगुणा प्राप्त करेगा। बाइबल कहिंदा कहिंदा आदम नू की लाभ आ, कहिंदा जे वह सारे जमाने नू कमा लवे, सारे जतबा कमा लवे लोगों के बिच, लोग उन्हों सलामा करन, लोग उन्हों सल्यूट मारन, पर बाइबल कहिंदा नरक दे विच अपनी जिंदगी नू लै जाएगा तो उन्हों इस सलूटां दा की फायदा, धरती के उपर रुतबा कमाएगा उन्हों की फायदा, जिहड़ा परमेश्वर तो दूर होकर जो इज्जत कमाई आ वह तुहानू बचा नहीं सकती, जो तुसी परमेश्वर तो दूर होकर पैसा कमाया तुहानू बचा नहीं सकता, जो परमेश्वर के पिछे ना चल के तुसी जो कुछ भी हासिल किया वह तुहानू बचा नहीं सकता, वह तुहानू सदीपक जीवन तक लैके नहीं जा सकता। किन्नियां नू मेरी गल समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। कहिंदा आदम नू की लाभ है कि वह सारे जगत नू कमा लवे पर वह अपना नुकसान कर लवे, अपने आप नू नरक दे विच लै जाए, उहनू की फायदा? इन्ना पैसा कमाएगा, इन्ना धन दौलत कमाएगा, इन्ना रुतबा कमाएगा, इन्ना नाम कमाएगा, उहनू की फायदा? कहिंदा जे नरक दे विच अपने आप नू लै जावे आखिर दे विच। किन्नियां नू समझ आ रही है? इसलिए यीशु मसीह कहिंदे जो मेरे पिछे आना चाहुंदा उहनू पहला स्टैप पूरे करना, पहला अपने आप का की करना, की करना, इनकार करना, दूसरा रोज अपनियां कुर्बानियां देनियां, रोज अपनियां इच्छावां नू मारना, मतलब उहदी क्रूस नू उठा के उहदे पिछे चलना रोज। मसीह जीवन रोज दा, कदी कदी वाला नहीं, हफ्ते वाला नहीं, रोज अपने मन नू मारदे हुए प्रभु दे विच अगे वधना,
ਇਹ ਦੋ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ। ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। यूहन्ना दा अंजील उदा 14 नंबर अध्याय और उदा 6 नंबर पंक्ति। सब नु मिल गया? लिखा यीशु ने उन्हों आख्या। ये उदो दी गल आ जदों थोमा ने यीशु मसीह नु क्वेश्चन कीता, सवाल कीता। प्रभु कहिंदे जिथे मैं जा रहा उथे तुसी भी आओगे और तुसी उदा राह जानदे आ। कहिंदा प्रभु सानू नहीं पता तुसी किधर जा रहे ते सानू राह किदां पता होगा। फिर यीशु मसीह ने उत्तर दिता, कहिंदे यीशु ने उन्हों आख्या राह सच्चाई और जीवन कौन कौन आ? राह भी मैं आ ते सच्चाई भी मैं। मेरे तो बिना तुसी सच्चे नहीं हो सकते, मेरे तो बिना तुसी स्वर्ग वाले राह ते नहीं चल सकते और मेरे बिना तुसी सदीपक जीवन हासिल नहीं कर सकते। और यीशु मसीह नू फॉलो कीते बिना ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ सच्चाई और जीवन मैं, मेरे वसीले बिना कोई पिता दे कोल नहीं जा सकता। हालेलुया हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही है? यीशु मसीह नूं फॉलो करना कुछ कंडीशंस दे नाल, एदा ही नहीं। कंडीशंस दे नाल फॉलो करना एदा ही नहीं, अपने आप का इनकार करके रोज कुर्बानी वाला जीवन जी के उहदे पिछे चलना। और उहदा बेनीफिट की आ? वह तुहानूं सिद्धा पिता दे नाल मिला देगा। सारा चर्च बोले, सारा चर्च बोले हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? नैक्सट वर्स मेरे नाल ओपन करिए जरा। यूहन्ना दा अंजील उहदा 8 नंबर अध्याय और उहदा 31 नंबर पंक्ति। सब नु मिल गया? यूहन्ना दा अंजील उहदा 8 नंबर अध्याय और उहदा 31 नंबर पंक्ति लिखिया, यीशु ने उन्हां यहूदियां नू जिन्हां उहदी प्रतीत कीती सी आख्या, जिन्हां ने विश्वास कर लिया सी यीशु मसीह दीआं गल्लां दे उप्पर, जिन्हां ने बड़े ध्यान दे नाल सुन लिया सी यीशु मसीह दे वचन नू। और लिखिया यीशु ने उन्हां यहूदियां नू जिन्हां उहदी प्रतीत कीती सी आख्या, जे तुसीं मेरे वचन ते खलोते रहो ठीक तुसी मेरे मतलब चेला केड़ा परसन ठहर सकता है जेड़ा उदे वचन दे उपर खड़ा रहेगा। वचन दे उपर खड़े रहने का मतलब समझते हो? जे मैं सच्चा है ते झूठ मेरे अंदर नहीं आ सकता, चाहे मेरा कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। एदा मायना है कि मैं सच्चाई ते टिकिया होया, सच्चे वचन ते खड़ा है। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਤੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਥੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਓ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
तुसी भी विश्वास करके आए हो और इन्हां लोगों ने भी विश्वास किया। यहूदी लोगों ने यीशु मसीह कहते जे तुसी आ तां गए हां पर जे तुसी वचन ते खलोते रहे तां तुसी मेरे चेले तां तुसी मेरे पुत्तर दियां अदरवाइज नहीं तां तुसी मेरियां भेड़ां अगर तुसी वचन ते खलोते रहे। किन्हां नूं मेरी गल समझ आ रही? कहिंदा सदे हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। चुने हुए का पता पता कितों लगता? जिहड़ा परसन कुर्बानियां देनियां सीखता, जिहड़ा परसन अपनी जिंदगी तो सैक्रीफाइसिस करने सीखता। यीशु मसीह का दिल करता सी क्रूस से चढ़न। हाँ अगर तुम बाइबल ध्यान दे नाल पढ़ो यीशु मसीह का दिल करता सी। यीशु मसीह को पता सी कोड़े पैने आ, छली छली कर दिता जाना, ताने मारे जाने, दुख जिहड़े आ सहण तो बाहर आ शरीर दे विच रहिंदे आ। बाग दे विच खुदा दे अगे उन्हें दुआ की थी, प्रभु जे हो सके तो यह प्याला टल जाए, कोई होर ऑप्शन कढ़ो। हाँ मतलब यही सी दुआ करन दा कि कोई होर ऑप्शन कढ़िया जाए, पर कोई आंसर नहीं आया। कहते प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। एवें नहीं उहदे पुत्तर दियां बनिया जाता, एवें नहीं उहदे चेले बनिया जाता। किन्हां नूं मेरी गल समझ आ रही है? जे उहने तुहाडी जिंदगी च तीन महीने का दुख लिखा तो दुखां चों तुहानूं लंघना पएगा। तुसीं उहदे विच रोजे रख के दुखां वाला समय नूं कट नहीं सकते, तुहानूं उहनां दुखां दे विचों लंघना पएगा। क्यों लंघना पएगा? उहदे विचों तुहानूं स्ट्रोंग करेगा, मजबूत करेगा, अपना बनाएगा। और मोस्टली ज्यादातर लोग उहदे विच बस रो के कल्प के बुड़बुड़ाहट करके अपनी जिहड़ी आशीष नूं गवा लैंदे आ। कि तुहानूं की लगता तुसीं चर्च आ रहे हैं, प्रभु च चलते पे, दुख आ गया, प्रभु नूं दिखदा नहीं? तुहानूं की लगता जो तुसीं रो रो के प्रभु नूं कहिंदे प्रभु ये किदां हो गया, वह किदां हो गया, फलाना टिमका ये वो, कि प्रभु नूं दिखदा नहीं? फिर तुसीं क्यों बुड़बुड़ाहट करते हैं? हो सकता वह 2 महीने का हो सकता वह 1 महीने का होवे, और उहदे विच उह तुहानूं मजबूत करना चाहुंदा। दुख तो बिना दुआ वधदी नहीं है, याद रखना मेरी गल। अगर तुहाडी जिंदगी च खुशी आ ते तुसीं गिर सकते हो, तुसीं कमजोर पै सकते हो, पर अगर तुहाडी जिंदगी च दुख आ गया ना वह तुहानूं मजबूत करन दे लई होंदा। जो दुखां च दुआ वधदी उह सुखां च नहीं वधदी, जो खुदा दे नाल रिश्ता कायम दुखां दे विच हुंदा उह सुखां दे विच नहीं हुंदा। इसलिए जो दुख आवे तो उदो खुदा की प्रशंसा करनी। बाइबल की कहता? कहता जे कोई दुखी आ तो की करे? ताने मारे की करे? रबेका क्या करे? हाँ प्रार्थना करे। तो जे कोई खुश आ तो की करे? फिर केड़े भजन? हाँ आत्मिक भजन। केड़े भजन? आत्मिक भजन गावे जे वो खुश आ, जे वो आनंदित आ। बाइबल अगर तुसी ध्यान दे नाल पढ़ो ते तुहानू आशीष मिले। यीशु मसीह नू फॉलो कीते बिना तुसी स्वर्ग नहीं जा सकते, ना ही तुसी पिता नू मिल सकते। एको एक वसीला है, वह खुदावंद यीशु मसीह है। उहदे वांगू बन के तुसी पिता दे कोल जा सकते, क्योंकि वह पिता दे कोल गया, वह नमूना दे के गया कि कितना उत्थे पहुंचना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और लिखा कहता सच्चाई नू जानोगे तो सच्चाई तुहानू की करेगी? सच्चाई तुहानू की करेगी? वह कहते असी तो अब्राहम की अंश के बिचों, असी तो कभी किसी की गुलामी नहीं की, और तू कहता है कि तुसी आजाद किए जाओगे। फिर प्रभु ने उन्होंने जोड़ा सवाल आदा उत्तर दिता, कहता जोड़ा पाप करता वह पाप का गुलाम है, और सच्चाई जो तुम जाणोगे तो सच्चाई तुहानू की करेगी? आसाद कर देगी। सच्चाई कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जो तुम वो पिछे तुरोंगे, जो तुम उन्होंने फॉलो करोगे, फिर वह तुम्हें आजाद करेगा। इदा ही नहीं है, जे तुम कहो आराम ना बैठे फिर तुम आजाद कर दे, इदा ही नहीं। वो पिछे चलना पेगा, उन्होंने फॉलो करना पेगा, वो मन मर्जी के अनुसार चलना पेगा, अपनी इच्छावान त्यागना पेगा, फिर वह तुम्हें आजाद करेगा। कहता सच्चाई नू जानो तो सच्चाई तुम्हें की करेगी? मतलब यीशु मसीह नू जानो तो वह तुम्हें आजाद करेगा। तुहाडा जानना जरूरी है, और उस तो ज्यादा जरूरी खुदावंद यीशु मसीह का जानना तुम्हें भी जरूरी है। तुसी जान लोगे उहदा कोई इन्ना फायदा नहीं होगा, मतलब यीशु मसीह का भी जानना तुम्हें जरूरी है कि वह भी तुम्हें जाने।
तुहाडा चाल चलन इदां दा होना चाहिए, तुहाडा जीवन इदां दा होना चाहिए। बोलो हालेलुया। संत मती दा अंजील उहदा 19 नंबर अध्याय खोलिए जरा मेरे नाल। जो तक असी कुर्बानी नहीं देवांगे असी खुदा दे कोलों कुछ हासिल नहीं कर सकते। संडे नूं अगर असी जॉब ते जांदे जां बिजनेस नूं देखदे आं तां असी प्रभु दे कोलों फिर बरकत नहीं लै सकते। क्यों? क्योंकि सानूं कुर्बानी देण दी आदत नहीं पई। और जिहड़ा परसन कुर्बानी दिंदा परमेश्वर नूं बहुत पसंद है, जो अपनी दिल की इच्छा नूं छड़दा है परमेश्वर नूं बहुत ही पसंद है। देखो बाइबल की आखदा है, मत्ती दा अंजील उहदा 19 नंबर अध्याय और उहदा 27 नंबर पंक्ति तो मैं पढ़दा, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। लिखिआ तद पतरस ने उहनूं उत्तर दित्ता, कहिंदा वेख असीं सभ कुछ छड्ड के तेरे मगर हो तुरे आं। सारा कुछ छड्ड दित्ता, मच्छियां फड़नियां छड्ड दित्तियां, जाल पौने छड्ड दित्ते, मच्छियां का शिकार करना छड्ड दित्ता, रूटीन अपनी चेंज कर ली, तेरे पिछे हो तो रहे हैं, सानू मिलूगा। मैं फिर तो पढ़ना, कहिंदा तद पतरस ने उन्हें उत्तर दिता, वेख असी सब कुछ छड्ड के तेरे मगर हो तो रहे हैं, फिर सानू की लभूगा। कहिंदे यीशु ने उन्होंने कहा, मैं तुम दस्सिया ना तुहाडियां दुआवां च सवाल भी होने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए। पतरस करता कि नहीं करता क्वेश्चन? और साडिया दुआवां च हुंदा प्रभु मैनूं आ भी मिल जाए, प्रभु मैनूं ओह भी मिल जाए, आ नहीं मिलिया वह नहीं मिलिया, प्रभु आ दे ओ दे। सवाल कित्थे है कि जिहड़ा उत्तर दे दे। प्रार्थना का मतलब समझदे आ, तुहाडे सवाल खुदावंद दे सामने और उत्तर देगा। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही? समझ आ रही है कि नहीं? रवेका समझ आ रही है? साडियां दुआवां सवाल आ खुदावंद दे अगे, और तुसी कंडीशंस रखते प्रभु दे, प्रभु मैनू आ देता मैं चलांगा, प्रभु मैनू इन्ना देता मैं दवांगा। ऐदां तुसी उन्हों फॉलो नहीं कर सकते। पतरस कहता प्रभु मैं सारा कुछ असी सारा कुछ छड्ड के तेरे मगर हो तो रहे, सानू की लभूगा। फिर कहते यीशु ने उन्हों उत्तर दिता, तुहाडे सवाल होने चाहिए आ खुदावंद दे सामने। सवाल करने बुरी गल नहीं है, अच्छी गल है, ताही वो उत्तर देगा। और लिखिया यीशु ने उन्हें उत्तर दिता और कहा, मैं तुहानू सच आखदा हां कि जद मनुख का पुत्र नवी सृष्ट दे विच अपने तेज दे सिंघासन दे उत्ते बैठेगा, तद तुसी भी जो मेरे मगर हो तुरे आ 12 सिंघासना दे उत्ते बैठोगे, और इजराइल दियां 12 गोतां दा की करोगे। सारा चर्च बोले, मैं कहा सारा चर्च बोले हालेलुया। इहदा रिजल्ट उहदे पिछे चलण दा, इह हुण नहीं पता लगेगा, इह जदों दुनिया दा अंत आएगा तुहानूं उदों पता लगेगा, जदों तुहानूं पिता दे नाल अपने मतलब यीशु मसीह अपने नाल बिठाएगा सिंघासन ते, और 12 गोत्रां दा तुसीं न्याय करोगे सारी सृष्ट दा। क्या ही बात है, छोटी गल है। हां पतरस कहिंदा प्रभु सारा कुछ छड्ड के तेरे पिछे हो तुरे, सानू की लभूगा, यह सवाल आता। फिर कहते यीशु ने आख्या, और यीशु ने कहा, कहिंदा मैं तुहानू सच आखदा कि जद मनुख का पुत्र नवी सृष्ट दे विच अपने तेज दे सिंघासन दे उत्ते बैठेगा, तद तुसी भी जो मैनू फॉलो करते हो, जो मेरे पिछे आते हैं, अपनी इच्छावां नूं त्याग के अपने आप का इनकार करके, लिखिया तुसी 12 सिंघासना दे उत्ते बैठोगे, और इजराइल दियां 12 गोतां दा की करोगे, की करोगे? बोलो हालेलुया। लिखिया हर कोई जिने घर, सुनो ध्यान दे नाल, जिने त्यागिया होवे खुदा दे लई, कुर्बानी कोई दित्ती होवे, किसी ने गर्लफ्रेंड नूं छड्डिया होवे, किसी ने बॉयफ्रेंड नूं छड्डिया होवे, किसी ने नशे नूं छड्डिया होवे, किसी ने फिल्मां नूं छड्डिया होवे, किसी ने गंदियां फिल्मां नूं छड्डिया होवे, किसी ने जो भी कुछ त्यागिया प्रभु दे लई, सुनो ध्यान दे, जो भी कोई कुर्बानी दित्ती, जो अपने आप नूं चंगा लगदा सीगा, जिन्हें प्रभु दे लई त्यागिया, सुनो लिखिया
हर कोई जेने घर या भाइया या भैन या प्यो या मां या बाल बच्चिया या जमीन मेरे नाम के कारण छड़िया किन्ना पाएगा वह किन्ना प्राप्त करेगा। बोलो हालेलुया। एक परसेंट भी उन्हें रहना नहीं कि जो तुम लगे तो 99% मिलेगा, नहीं। बाइबल कहता किन्ना प्राप्त करेगा, मतलब जे तुसी एक नॉन क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड नू छड़िया प्रभु दे लई ते तुहानू क्रिश्चियन फैमिली दे विच अच्छे लाइफ पार्टनर दे नाल ब्लेस करेगा जो तुहाडी फैमिली दे विच और तुहाडे विच सूटेबल होवे। सारा चर्च बोले, मैं क्या सारा चर्च बोले हालेलुया। किन्नियां नू समझ आ रही है? कहिंदा जिन्हें मेरे करके भैन भाइयों नू मां बाप नू रिश्तेदारां नू जमीन जायदादां नू बिजनेस नू जॉब नू मेरे लिए छड़िया होवे, मतलब जो तुहानू खुदा तो दूर करता तुसी उहनू छड़िया होवे, उस तो दुगना अच्छा बेस्ट करके वो तुहानू 100 गुणा करके देगा और तुसी हासिल करूंगे। सारा चर्च बोले। बाइबल इदां कहिंदा, मैं नहीं कहिंदा, कहिंदा वो 100 गुणा पावेगा। और लिखिया सदीपक जीवन दा की होएगा, की होएगा? छोटी गल, उहनू फॉलो करन दी ब्लेसिंग्स देखो, ओदे अगे चलिंग्स नहीं, ओदे पिछे चलन दे नाल ब्लेसिंग्स। ओदे अगे चलूंगे, ओदे अगेंस्ट चलूंगे तां नुकसान होएगा। हालेलुया। यीशु मसीह दी गल नूं मनणा यानी कि ओनू फॉलो करना, ओदी गल नूं ना मनणा मतलब ओदे अगे चलना, ओदे अगेंस्ट चलना। यूनान नबी नूं खुदा ने आवाज दिती, जे ओ मन लैंदा ते साबित करदा कि ओनू फॉलो करदा पिया, पर ओने मन्निया नहीं। बाइबल कहिंदा किधर नूं भज गया? हाँ, किथे भज गया? तरशीश नूं चला गया। और जाना किधर सीगा? हाँ, ते तुहाडा ते मेरा राह किधर नूं आ? स्वर्ग नूं है। ते आपां जा किधर नूं रहे हैं? पैसे वल, संसार वल, दुनिया वल, शरीर दीआं इच्छावां वल, पाप वल, मन मर्जियां वल, अपनी इच्छावां वल। किन्नियां नूं मेरी गल समझ लग रही? कहिंदे विआह हो जावे एक बार, चलो परिवार च आ जाएगी ते मसीह बन जाएगी। काउंसलिंग करेगा, हाँ, उन्हें सही बनाएगा। हाँ, क्या ही सोच है तुहाडी? हाँ, बाइबल कहता थोड़ा जिहा खमीर पूरी तौण नूं की कर दिंदा है? खमीरा कर दिंदा। तुसी उन्हों क्रिश्चियन बनाना, तुहानू नॉन क्रिश्चियन बना देगी। एक पूरे कागज से मैं लिख के देने लई तैयार हां, तुहाडे घर दा माहौल खराब कर देगी। तुसी लड़ाई नहीं करोगे कि लोग की कहणगे क्रिश्चियन नाल लड़दे, और उहदा फायदा चके, वह शैतान उहदे विच फायदा चकेगा। याद रखना मेरी गल, जवान ध्यान दे नाल सुन। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही? एदां ही लड़की है जदों कहती नॉन क्रिश्चियन लड़का है, कोई मैं इदा उन्होंने मसीह च लियाऊंगा उंगल दे इशारे दे नाल। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? माफ करना पर गल्लां ए देखियां अजमाइयां तां ही करदा पिया। मैं कहना हो ही नहीं सकता कि एक लड़की मतलब शादी तो बाद अपने सहुरे परिवार नूं प्रभु च लिया। सोचो कितने कद्दी होएगी, सारिया 100 नहीं। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? मैं देखिया, मैं हुण नाम नहीं लै सकता ना, कैमरा मेरे अगे माइक मेरे हाथ च, मैं देखिया मंदा हाल हुंदे, माड़े हाल हुंदे, आस रखी बहुत वड्डियां बरकतां दी, पर तुसी डिसीजन की लिया? और तुसी प्रभु नूं कहिंदे मैनूं आ दे दे। तुहाडा डिसीजन की सीगा? जदों यीशु नूं चुनन दा टाइम सी, जदों यीशु नूं फॉलो करन दा टाइम सी, उदों तुसी किहनूं फॉलो कीता? उदों तुसी किहदी मनमर्जी दे अनुसार चले? किन्नियां नूं मेरी गल समझ लग रही? कहिंदे मैं सिर नहीं झुकाउंदा या झुकाउंदी, बस आराम नाल जाके बैठ जांदा या बैठ जांदी, मैं मत्था थोड़ी टेकिया। सच्चियां गल्लां और पहला मैं बदल दू। हां, मैं कहना यीशु मसीह के लिए औखा है करूं नू बदलना, चेंज करना,
देखो मनुख हो के एक लड़की हो के एक लड़का हो के तुसी कहो कि मैं उन्हें चेंज कर दूं। बाइबल कहता कितना लड़का कहता मैं लड़की नूं चेंज कर दांगा, बाइबल दे विच लिखा है। पति कितना कहता कि मैं अपनी पत्नी नूं चेंज कर दांगा, हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह नूं फॉलो करो। यीशु मसीह दे लई कहता जिन्हें कुछ त्यागिया उन्हें स्वर्ग दे विच 100 गुणा प्राप्त मिलेगा। बोलो हालेलुया। और जिन्हें छड़िया जिन्हें त्यागिया अपने दिल की इच्छा नूं, बाइबल कहता उस दीपक जीवन का वारिस होएगा। सारा चर्च बोले हालेलुया। पर अगे एक होर गल लिखी सुनो, कहता पर बथेरे पहले पिछले होणगे और पिछले बड़ा चेंजिस आ जाएगा। जड़े अपने आप नूं कहिंदे कहाउंदे ना बड़ा चेंजिस आएगा। मैं देखिया इन्हां 8-10 सालां दे विच मैं चेंज होंदे देखिया, बड़ा बदलाव आते देखे। अपनी पोजिशन ना छोड़ो, जिस पोजिशन से तुम खुदा ने तुम रखे ना उन्हें पकड़ लो, बस पकड़ लो, नहीं तो जगह खाली मिली उ कोई आ जाएगा। खाली अज ही मैं हनूक कह रहे हैं, मैं क्या जगह नहीं है क्या कि नहीं, अज ही मैं कह रहा है। मैं हम सारी गल नहीं दसनी, मैं क्या जो जगह सी उदो आया नहीं, पर सर हुण जगह नहीं है। मैं क्या वाकई नहीं है, आशु है कि है ही नहीं। अपनी जड़ी जगह है ना, अपना स्थान जड़ा है उन्हें पक्कियां कर लो। तुसी उठे और छड़िया नहीं तो किसी ने आके थमिया नहीं। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? बोलो हालेलुया हालेलुया। कहिंदा पर बथेरे पहले पिछले होणगे और पिछले, मतलब कितना जरूरत है। बाइबल एक थान से लिखा कहता जे कोई अपने आप को आत्मा से खलोता समझे तो कहता सुचेत रहे किते डिग ना जावे। किन्या नु समझ आ रही है? बोलो हालेलुया हालेलुया। सब नु समझ आ रही है? और आगे नेक्स्ट मेरे नाल खोलिए जरा, किनिया वर्सेस पढ़ ली आप? हां चार ओके संत मती दान झील और 8 नंबर अध्याय खोलिए जरा। संत मती दा अंजील और 8 नंबर अध्याय और 18 नंबर पंक्ति। सब नु मिल गया? संत मती दा अंजील और 18 नंबर अध्याय सुनो बड़े ध्यान दे। यीशु मसीह कितना कहते हैं कि तू मैनू फॉलो कर। यीशु मसीह कितना आखते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। सुनो कहते तद यीशु ने बहुत भीड़ अपने चुफेरे वेख के पार चलन की आग्ञा दी और एक ग्रंथी ने कोल आण के ओनू कहा। किने उन्हें की किया? सवाल किया। उन्हें की किया? सवाल किया। जो कि तुसी दुआवां च नहीं करते, सिर्फ मंगते हैं प्रभु मैनू आ दे दे, प्रभु मैनू दे दे। लिखा एक ग्रंथी ने यीशु दे कोल आके सवाल किया, कहिंदा गुरु जी जिथे किते तू जावे मैं तेरे मगर चलांगा। कहिंदा जिथे किते भी तू जावे मैं तेरे। एक ग्रंथी ने यीशु मसीह ने सवाल किया, कहिंदा प्रभु जिथे किते तू जावे मैं तेरे, जिते कि तू जामे कहता मैं तेरे तेरे मगर चलांगा। और सुनो जो प्रैक्टिकल करन दा टाइम आता, सुनो कहता यीशु ने उन्हें आख्या भी लूमड़िया के घुरने ते आकाश के पंछियों के आलने हैं पर मनुख के पुत्र के सिर धरन नूं थां नहीं आ। लिखिया चेलिया के विच होर दूए ने उन्हें आख्या प्रभु जी मैनू परवानगी दे जो मैं पहला जाके अपने प्यो नूं की करा। लिखिया पर यीशु ने उन्हें कहा तू मेरे मगर चलिया आ और मुरदिया नूं अपने मुरदे दबण दे। तू सारा कुछ छड के मेरे पिछे हो तो एक क्विक डिसीजन लैण दा वेला हुंदा जो रूह पाक अगवाई करता है। एक क्विक डिसीजन लैण दा समय हुंदा जो पवित्र आत्मा आवाज दिंदा है। उसकी आवाज इन्ने रौले वाली नहीं है जिन्ना तुम मेरी आवाज में बड़े आराम के सुन पा रहे ना। पवित्र आत्मा की आवाज इन्नी उच्ची नहीं आती, वो तो संसार के वो तो अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा।
संसार की आवाज नू बिल्कुल म्यूट करना पेगा ता तुहानू पवित्र आत्मा की आवाज सुननी। और जिन्हें एक बार सुन के पूरा करता उन्हें बार बार आएगी, और जिन्हें एक बार इग्नोर करता दूसरी बार उन्हें आवाज नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। किन्हें मेरी गल समझ ला, वह मनुख नहीं है कि वह बेइज्जत हो दोबारा तो फिर उठ ही जाए। वो आत्मा है खुदा का, रिस्पेक्ट मंगता है। हालेलुया, किन्हें समझ आ रही है। कहता प्रभु जिथे कितने तू जावे मैं तेरे मगर तुरंगा, तेरे मगर चलना। पर कहता एक व्यक्ति कहता प्रभु मैनू परवानगी दे कि मैं अपने प्यो नूं की करा, दब आवां फिर तेरे पिछे चलना। प्रभु कहता मुरदिया नूं मुरदे की करन दिओ, दबण दिओ। एक लोगों का सवाल भी होएगा, मैनू पहला आ काम कर लैन दो फिर मैं प्रभु च सही रीति दे नाल चलना, मैनू कर्जा उतार लैन दो फिर मैं प्रभु दे विच चलना, मैनू आ काम कर लैन दो, मेरी शादी हो जाए फिर मैं प्रभु च बड़ा वधिया चलांगा या वधिया चलांगी। और बाइबल की कहता इंस्टेंट डिसीजन लेना, यीशु मसीह कहते इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेंदा, कहता मुरदिया नूं अपने मुरदे दबण, तू मेरे मगर हो तो जे फिर भी मुरदा दबना तो जा फिर मुरदे दब। किन्हां नूं मेरी गल समझ आ रही है, बोलो हालेलुया। संत मत्ती दा अंजील दा 19 नंबर अध्याय खोलिए जरा, इस तो बाद तुसीं ते मैं फ्री हां। एक क्रिश्चन बंदा यीशु मसीह दे कोल आया, केड़ा व्यक्ति, एक क्रिश्चन बंदा यीशु मसीह दे कोल आया। संत मत्ती दा अंजील उहदा 19 नंबर अध्याय और 16 नंबर पंक्ति तो मैं पढ़दा, तुसी सुनना बड़े ध्यान दे नाल। सब नूं मिल गया लिखिया तां वेखो एक जने ने उहदे कोल आण के कहा, मतलब प्रश्न कीता, कहिंदा गुरु जी मैं केड़ा भला कम करा जो मैनू सदीपक मतलब स्वर्ग मिले। इदां दा केड़ा भला काम है? उन्हें गल क्यों आखी? क्योंकि वह बॉन क्रिश्चन है, क्योंकि वह वचना नू पूरा करने वाला व्यक्ति है। कहिंदा प्रभु हुण यह दसो मैं केड़ा वह भला काम करा जिहदे करके मैं स्वर्ग नू हासिल कर सकता, जिदे नाल मैं स्वर्ग नू ले सकता जां स्वर्ग च जा सकता। एक क्रिश्चन बंदा प्रभु दे अगे सवाल करता है, सुनो ध्यान दे नाल। कहिंदा गुरु जी मैं केड़ा भला काम करा जो मैनू सदीपक जीवन मिले। कहिंदा उसने उन्हूं आख्या तू भलियाई दे विखे मैनू क्यों पुछदा, भला तां इक्को ही है। लिखिया पर जे तू जीवन दे विच वड़ना चाहुंदा तां हुक्मां नूं की कर, हुक्मां नूं की कर। मैं तुहानूं क्यों कहा कि यह बॉन क्रिश्चन परसन है, मैं तुहानूं क्यों कहा कि यह वचनां नूं मनन वाला परसन है। सुनो लिखिया यीशु मसीह ने कहा जे तू जीवन दे विच बढ़ना चाहुंदा तो हुक्मां नूं मन। लिखिया उसने उन्हूं आख्या किहड़े हुक्म? लिखिया तद यीशु ने कहा यही कि जो तू खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे। और उन्हें आख्या कहिंदा अपने माँ प्यो का की कर, आदर कर, और अपने गवांडी नूं अपने जिहा प्यार कर। लिखिया उस जवान ने उन्हूं आख्या मैं तां इन्हां सभनां नूं मन्निया आ। की कीता है? और तुसी अगर इन्हूं बाकी अंजीलां दे विच पढ़ोगे उत्थे लिखिया मैं बालकपुणे तो करदा आ रहा, ऐदां लिखिया। कहिंदा इन्हां नूं मैं बालकपुणे तो फॉलो करदा आ रहा जां पूरा करदा आ रहा। उस तो साबित हुंदा कि इह बॉन क्रिश्चन परसन है। बोलो हालेलुया। कहिंदा इन्हां नूं मैं मन्निया आ। कहिंदा फिर हुण मेरे विच की घाटा? घाटा दसो कहिंदा की है? लिखिया यीशु ने उन्हूं कहा जे तू पूरा बनना चाहुंदा, की बनना चाहुंदा? पूरा बनना चाहता है ता जाके अपना माल वेच ते कंगाला नू दे दे ता तेनू स्वर्ग दे विच की मिलेगा। यार यीशु मसीह दे वर्ड ते उन्हें बिलीव ही नहीं किया। कहता तेनू स्वर्ग दे विच की मिलेगा? हाँ, ब्लेसिंग की मिलेगा? हाँ, खजाना। कहता तेनू स्वर्ग दे विच की मिलेगा? खजाना मिलेगा। अपना सारा ही माल कहिंदा वेच ते कंगालां नूं दे दे, जरूरतमंदां नूं दे दे, तैनूं स्वर्ग दे विच की मिलेगा? सुनो बड़े ध्यान दे नाल, तैनूं स्वर्ग दे विच खजाना मिलेगा। लिखिया और आ मेरे मगर हो तो कल्ला वंडन दे नाल स्वर्ग नहीं चले जाना, उहदे पिछे भी चलना पैणा। वंडना सौखा पर अमीर बंदे दे लई इह वी बड़ा औखा।
किन्या नो समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह कहते अपना माल बेच दे कंगाला नू दे ता तेनू स्वर्ग दे विच की मिलेगा खजाना मिलेगा और आ मेरे मगर हो तुर लिखिया। पर उस जवान ने जा एक गल सुनी ता उदास होके चलिया गया। क्यों? जो ओ वड्डा 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 मालदार सिगा, वड्डा रहीस सिगा, वड्डा अमीर बंदा सिगा, वो वापस चला गया, उदे पिछे नहीं तुरिया। इदां ही तुहाडे नाल हुंदा जदों कोई सियाणा बंदा या आत्मक बंदा तुहानूं समझाउंदा कि बच्चे तू आ गलत कदम चक रहा, और जदों तुसीं उहदी गल नूं इगनोर करके वह गलत कदम चकदे आ ते दैट मीनस साबित करदे आ कि असीं हुण गल नूं मनणा नहीं पिछाहां चलदे। बाइबल कहता वो यीशु मसीह की गल नूं इगनोर करके पिछाहां चला गया। क्यों? क्योंकि वह वड्डा मालदार सी। और यीशु मसीह ने की कहा? आ तू मेरे मगर हो ले, तेनू स्वर्ग दे विच की मिलेगा? खजाना मिलेगा। बोलो हालेलुया। किन्या नूं समझ आ रही है? जदों ही मौका मिले, चाहे कोई आत्मिक भैन तुहानू समझावे या भरा समझावे या पास्टर दे द्वारा या बाइबल दे द्वारा तुहाडे तक कोई गल पहुंचे जिहड़ी कि तुहानू साबित करे कि तुसीं गलत आ, और तुसीं उसे समय उहनूं छड्डणा है, उसे समय उस काम नूं उस गल नूं उस सिचुएशन नूं छड्ड देना है। बाइबल कहिंदा जिहड़ा प्रभु दे लई छड्डदा उहनूं स्वर्ग दे विच किन्ना मिलेगा? किन्ना मिलेगा? 1% दी भी कटौती नहीं है, 1% दी भी कटौती नहीं है। बाइबल कहता उन्हें स्वर्ग च किन्ना मिलेगा? 100 गुणा मिलेगा। जड़ा प्रभु दे लिए कुर्बानी देता, जड़ा प्रभु दे लिए त्यागदा, जड़ा प्रभु दे लिए अपनी इच्छावां नूं मारदा। हालेलुया हालेलुया। किन्या नूं समझ आ रही? पतरस कहता प्रभु सारा ही कुछ छड्ड के तेरे मगर हो ले, सानूं की मिलेगा? ऐदां ही बस घूमी जाना, सानूं की मिलेगा? ऐदां ही लोगों को गल्लां सुनी जानियां, डरी जाना, दौड़ी जाना, भज्जी जाना, कलाम सुनाई जाना, की मिलेगा? प्रभु ने की आख्या? जो उन्हें फॉलो करते, जो उहदा पिछा करते। मैं पहला दसदा, अगर तुसी पिछा नहीं करते यीशु मसीह का तो तुसी मंजिल ते नहीं पहुँच सकते। उन्हें तुहानू मैनू सारे नूं आख्या कि तुसी मेरा पिछा करो, फॉलो मी। यीशु मसीह ने कहा आ मेरे मगर हो ले, जिथे मैं आ एक दिन तुसी भी उथे होवोगे। सारा चर्च बोले। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना की हालत दे विच चले जाइए। अज दे वचन दे लई खुदावंद दा धन्नवाद करिए। सब अपने घुटनियां ते आइए, जो आ सकदे अपने घुटनियां ते आइए और खुदावंद दा शुकराना करिए। अज दे वचन दे उपर मनन करिए, अज दे वचन नूं ग्रहण करिए। ये वचन तुहाडे लई जो तुहानूं मिलिया है इहनूं मन्निए, इहनूं ग्रहण करिए अपनी जिंदगी दे विच। यीशु मसीह कहते जो मेरे लिए कुर्बानी देता वह 100 गुणा प्राप्त करता है। खुदावन तू मैनू बल दे कि मैं तेनों फॉलो कर सकता। प्रभु तेरे लिए मैं अपनी इच्छावां नूं छड्ड सकता, तू मैनू सामर्थ दे। पौलुस कहता प्रभु दे दिते बल दे नाल मैं सब कुछ कर सकता, जे कोई छड्ड नहीं हुंदा, जे कोई पाप नहीं छड्ड हुंदा, कोई बुराई नहीं छड्ड हुंदी। ते अज क्लेम करिए वचन दे उपर कि पौलुस कहता है कि प्रभु तेरे दिते बल दे नाल मैं सब कुछ कर सकता। अज मैनू उही बल दे, अज मेरे उपर उही सामर्थ दे, अज मेरे उपर उही पवित्र आत्मा दी आग उठेल मेरे खुदावन, कि मैं तेरे लई खुदावन अपनी जिंदगी दे विचों कुर्बानी देवां और तेरे पिछे हो लवां। बाइबल कहता तेनों स्वर्ग दे विच खजाना मिलेगा। दुआ करिए, सब दुआ करिए। थैंक यू फादर। संदा राबा बाबा शाखा राबा लाबा, धन्यवाद यीशु मसीह, पवित्र और धर्मी मेरे परमेश्वर मसीह यीशु दे नाम च धन्यवाद करता। अज दे वचन दा बीज साडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 दा 100 गुणा फले मेरे प्रभु जी, और तेरे लोग बरकत पाउ, तेरे लोग आशीष पाउ, तेरे लोग आनंद पाउ, तेरे लोग खुदावन अपनी जिंदगी च सुकून नूं प्राप्त करन मेरे प्रभु जी, सच्ची शांति नूं प्राप्त करन मेरे खुदावन। वो शांति जो तेरे वलों, वो आनंद जो तेरे वलों, वो खुदावन तसली जो तेरे वलों, हौसला जो तेरे वलों आ खुदावन, तेरे लोग हासिल करन मेरे प्रभु। धन्यवाद अदा कर, जो कुछ मंगिया सब पूरा होया प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम दे विच। पूरा चर्च बोले।
हालेलुया। आइए समा पहुंचा कि असी आखिरी प्रार्थना दे विच चलिए। सब जो लोग अपनी नेक कमाई दे विचों दान दशवांश लेके आए अपने हाथों च फड़िए और हाथों नूं ताहां उठाइए ता जो खुदावंद की नज़र तुहाडे दान और दशवांश के उपर पवे और तुहानूं उहदी बरकत मिल सके। और तुसीं इस गल नूं साबित करो कि प्रभु मैं तेरे भवन च खाली हाथ नहीं आया, तेरे भवन च मैं खाली हाथ नहीं आई, जिन्नी मेरी औकात सी मैं उहदे अनुसार लैके आया या आई हाँ। प्रभु इस मेरे दान इस भेंट नूं कबूल कर मेरे प्रभु जी। हुण दिओ खुदावंद कि इहदे उपर तेरी आशीष चो, इहदे उपर तेरी बरकत चो, इह पैसा जिथों भी आया प्रभु उस जॉब के उपर तेरी आशीष चाहना, उस बिजनेस से तेरी आशीष चाहना मेरे खुदावंद। उस दान के उपर तुहाडी नज़र पवे जिस तरह कोर्नेलियस दान के उपर पई, जिस तरह विधवा दी दो तमड़ियां के उपर पई, इस दान के उपर तुहाडी नज़र पै जावे खुदावंद और तुहाडे लोगों नूं उहदी बरकत मिल सके खुदावंद। असीं धन्नवाद करते हैं खुदा बाप जी सारियां गल्लां बातां दे लई। प्रभु मेरी दुआ है खुदावंद जिस तरह से सलामत लैके आए वापस जाने च भी बड़ी मदद और सहायता करना, बरकत आशीष देना, हालातों नूं बदलना खुदावंद और तरक्की देना खुदावंद और बल बख्शना कि तुहानूं फॉलो करन तुहाडे मगर हो लैण खुदावंद। और बाइबल कहिंदा स्वर्ग च उहनां नूं खजाना मिलेगा खुदा बाप जी। होण दिओ प्रभु कि बाना सिंघासना के उपर बैठ के खुदावंद इसराइल के बारह गोता का न्याय करनगे मेरे खुदावंद। हुण दिओ प्रभु कि सदीपक जीवन के वारस बनणगे मेरे खुदावंद जो तुहानूं फॉलो करदे आ मेरे परमेश्वर। हुण दिओ मेरे खुदावंद वह तुहाडा सचमुच सच्चा चेला ठहरेगा मेरे खुदाबाब जो तुहाडियां गल्लां नूं मंनदा है, जो तुहाडियां वचनां नूं मंनदा है मेरे प्रभु जी। हुण दिओ मेरे खुदावंद अज दा वचन दा बीज साडे दिलों की चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 दा 100 गुणा फले मेरे प्रभु। और अज का दिन साडे लई बरकत का दिन ठहरे खुदावंद, अज का दिन साडे लई तरक्की का ठहरे खुदावंद। जिन्हें लोगों ने प्रभु पोस्ट दे विच हिस्सा पाया खुदावंद उन्होंने बड़ी आशीष और बड़ी बरकत मिले मेरे खुदाबाब जी। और जो लोगों ने खुदावंद इस रस्म च शामिल हुए आ वह खुदावंद अज तो दुगने मसा नूं दुगने अभिषेक नूं हासिल करन, वह अभिषेक इन्हां नूं अगे वधाउंदा जाए, तरक्की वल लैके जांदा जाए मेरे प्रभु जी। जो रह गए आ छुट गए आ खुदावंद उन्हां ते अनुग्रह कर कृपा कर खुदावंद और बपतिस्मा लैण दा बल दे, तौफीक बख्श खुदावंद कि तेरे वचन पूरा करके तेरे हजूरों सुख दे दिनों ना जिंदगियां च भी आउण मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई, तुहाडा ही नाम मुबारक होवे। बस सुरक्षित जिस तरह लैके आए वापस जाण च भी बड़ी मदद और सहायता करना, तुहाडा नाम मुबारक होए। पवित्र आत्मा की अगुवाई च सदा ही चलते रहिए खुदा बाप, बंद रस्तियां नूं खोलना, बरकत आशीष देना जो नहीं मिलिया इस साल दे विच मिले मेरे प्रभु जी। मैं दुआ मंगदा खुदावंद बंद समझ खुले खुदावंद, बंद कुखा खुलन खुदावंद, बंद जुबान खुले मेरे खुदावंद, बंद आत्मक अखा बंद आत्मक कन्न खुलन मेरे परमेश्वर, बंद जुबान खुले तेरी महिमा दे लई मेरे प्रभु जी। जो इस साल खुलिया नहीं खुदावंद ओ अज तो बाद खुलना शुरू होई यीशु मसीह के नाम च मेरे प्रभु। मेरी दुआ है खुदावंद तेरे लोग बरकत पाउण, धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई। जिन्हां ने चर्च लगाउण च अपनी सेवा निभाई आ बरकत पाउण मेरे प्रभु, जिन्हां ने समेटन च सेवा निभाउणी उन्हां नूं भी आशीष और बरकत मिलने पाए और खुदावंद चारों तरफ बरकतां नूं घेर लैण मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई, दुआ नूं सुणिया बरकत दित्ती, जिदां बोलिया उदां कर दित्ता। धन्नवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च हो के अज दी दुआ नूं मंगदे आ। हालेलुया। इसे रीति दे नाल अपनी अखां नूं बंद रखिए, बरकत दे कलमे च चलांगे। साडे पिता दा प्यार प्रभु यीशु मसीह दी कृपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारिआं दे नाल, प्रभु दे तमाम असीं मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तों लै के खुदाबंदी दूसरी आमद तक हुंदी रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम च तुहानूं सभनां नूं शांति मिले। खुदा तुहानूं सारिआं नूं बहुत आशीष और बरकत देवे।